आपके साथ दो ब्लेसेस शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है प्लस बहुत ज्यादा एफेक्टेड, उसका लुक इज वेरी नाइस। ठीक है, मैं आज आपके साथ दो ब्लश एंड दो लिप ग्लॉस शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा मुझे पसंद है और ज्यादातर मैं अपने मेकअप में उसी ब्लश का यूज करती हूँ और ज्यादातर मैं अपने लिप ग्लॉस या लाइट मेकअप करती हूँ तो मैं उसी लिप ग्लॉस का यूज करती हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और डेफिनेटली अगर आप उसे एक बार परचेस कर लोगे और एक बार यूज कर लोगे तो आपको भी वो लिप ग्लॉस बहुत ज्यादा पसंद आने लगे, आपको जो वो ब्लशेस है आपके लिए भी उतने ही मेकअप में बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे जितने मुझे ही अच्छे लगते हैं। तो डेफिनेटली पहला जो दो ब्लशेस है वो है शुगर का। मैंने जो भी अभी तक ब्लश है, मुझे जितने भी ब्लश बोल लो, मुझे अभी तक मैंने जितने भी ब्लश परचेस किए हैं सबसे ज्यादा मुझे अगर कोई ब्लश अच्छा लगता तो ये टू शुगर का। ये जो मैट शुगर का ब्लशेस है ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये आपका न्यूड ब्लश है। ये जो सेकंड ब्लश है ये है पीच कलर का। मुझे बात करें तो ये दोनों ही ब्लशेस मेरे फेवरेट ब्लश हैं। ये दोनों ही ब्लशेस मेरे फेवरेट ब्लश है जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि मेरे जितने भी मेकअप का ब्लॉग रहता है उसमें सारे ही इसी ब्लश का मैं ज्यादातर यूज करती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये आपको मैट फिनिश देता है, साथ ही आपकी स्किन पे ऐसा नहीं लगता है कि आपने कुछ हेवी सा कुछ लाल पीला ब्लश लगाया, बस एक अच्छा सा लुक इफेक्ट देती है ये जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गाइस। तो डेफिनेटली मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप इन दोनों को जरूर परचेस करें। मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया था अमेजोन से 350 में, तो आप भी जाकर के ऑनलाइन से परचेस कर सकते हो। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके इन दोनों का ये दोनों जो शुगर के प्रोडक्ट है वो परचेस कर सकते हो गाइस। मैं आपको ये वाला जो है ब्लश पीच कलर का मैं लगा के दिखा देती हूँ। बहुत लाइट वेट है, ऐसा लगेगा आपने ना एकदम लाइट लाइट सा नेचुरल जो पिंक होता है ना पीच कलर का वैसा आपको लगेगा, बहुत ही अच्छा कलर आता है इसका। देखो दूसरा जो ब्लश है वो है न्यूड। ये मेरा काफी फेवरेट है, ज्यादातर मैं इसी को यूज करती हूँ। आई लव दिस शेड। ठीक है गाइस, ये तो हो गए मेरे ब्लशेस का रिव्यू। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो डेफिनेटली आप एक बार जरूर एटलीस्ट इसे ट्राई करना। पन का ब्लश जूसी लिप प्लम्पिंग लिप ग्लोस और ये है रेनी का लिप ग्लोस। ये मैंने परचेस किया था ऑनलाइन अमेजोन से, ये मुझे पड़ा था 450 का और ये आपको सिर्फ 10 ml क्वांटिटी मिल जाता है। फर्स्ट बात कर लेती हूँ इस लिप ग्लॉस का। ये लिप ग्लॉस मैंने अमेजोन से परचेस किया था 450 रुपीज में, ऑनलाइन इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो बिल्कुल आपको थोड़ी सी ही मिलेगी। देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और थोड़ा कॉस्टली है लिप ग्लॉस के हिसाब से। और एक बात मैं बोलूं, जब भी आप इसे जब ट्विस्ट करोगे बंद करोगे तो ये देखो ये शेप अच्छे से बंद नहीं होती, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसका। बाकी वाइज इसका लिप ग्लॉस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नाइस है। ये देखो दिख रहा आपको ये साइन,
काफी बेहतरीन साइन है। तो ये मुझे पसंद आया, बस इसका थोड़ा सा प्राइस हाई है। और ये जो है ये बंद होने के बाद जो ये सेप का जो आ जाता है, ये ढक्कन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस आपको ऐसे करके रखना होगा तब ये जाके बराबर होती है, लेकिन ये फिर भी ढीला रह जाता है। बात कर लेती हूँ ब्लू हेवन लस जूसी लिप प्लम्पिंग लिप ग्लॉस, जो बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है। मैं कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी मुझे लाइट मेकअप चाहिए तो मैं इस लिप ग्लॉस का जरूर यूज करती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है और डेफिनेटली आपको भी बहुत पसंद आएगा। मैंने इसे पर्पल से परचेज किया था 250 रुपीज में, और डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में भी है, क्वांटिटी आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है। इतना तो आराम से आप चल जाएगा, बहुत दिनों तक आपका चल जाएगा। आपको लगा के दिखाती हूँ, देख रहे हो इसमें ना एकदम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से ये सिर्फ साइन करता है, बहुत ही अमेजिंग साइन करता है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एकदम आपको नहीं लगाएगा कि आपने कुछ ग्लिटरी सा अपने होंट में अप्लाई किया, एकदम माइनर ग्लिटरी पार्टिकल से जो एकदम साइन करता है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसे जरूर परचेज करना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।